बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री सतगुरु महाराज की देखे तारा दीन के नजर करी आसमान रहमत रहमत करके हुई हक सुभान हुई हक सुभान मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ प्रणाम जी सुंदर साधी प्राणधार आत्मसंबंधी सुंदर जी कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से श्रीजी के साथ जितने सुंदर साथ थे दिल्ली में उन्होंने औरंगजेब को वाणी का संदेश देने का प्रयास किया कैसे उन्होंने मस्जिद के गुस्लखाने में रुखा चिपकाया था कैसे औरंगजेब बादशाह तक शेख सलेमान के कारण संदेश पहुंचाने में असफल हुए कैसे अब्दुल्ला के कारण लालदास जी और निर्मल दास जी औरंगजेब तक अपनी बात नहीं पहुंच पाए और अंतिम में जब सारे प्रयास विफल हो गए असफल हो गए तो बारह सुंदर साथ तैयार हुए औरंगजेब बादशाह तक पहुंचने के लिए ये बारह सुंदर साथ कौन कौन थे जिनका नाम हमने सुना लालदास जी चंचलदास, गंगाराम दयाराम, बनारसी चिंतामणि जी बदल कायम मुल्ला खिमाई भाई सोमजी भाई नागजी भाई इस तरह से ये सुंदर साथ तैयार हुए और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर सनंद की वाणी का गायन करने लग गए अब गायन तो पहले भी करते थे पर इस बार फर्क इतना था कि पहले हिंदू वेशभूषा में होते थे और अब इन्होंने इस बार मुस्लिम फ़कीरों की वेशभूषा धारण की थी जैसी वेशभूषा सूफ़ी फ़कीर धारण करते हैं ऐसी वेशभूषा धारण की थी जिनको देखकर मस्जिद का जो इमाम था वो आया उन सुंदर साथ से मिला और मिल करके सुंदर साथ की बात सुनकर उसे लगा कि ये जो फकीर हैं ये धर्म के ये दीन के सच्चे आशिक हैं दीन के सच्चे प्रेमी हैं और जब सुंदर साथ से बात की जब उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि मुझे हमें बादशाह से मिलना है उसने कहा मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ मैं आप लोगों को अपने साथ ही बादशाह के पास लेके जाऊंगा और आप सब की बात बादशाह के साथ कराऊंगा बात तुम्हारी मैं कहूं ले चला पकड़ के हाथ इतना कहकर वह जो इमाम था सुंदर साथ का हाथ पकड़कर दरबार की तरफ लेके जाने लगा बादशाह की तरफ सुंदर साथ को एक जगह पर उसने रखा और महल के अंदर स्वयं चला गया अंदर जा कर के औरंगजेब बादशाह से मिला और बोल करके कहता है कि मैं ले आया लोग तिनके तुम आइयो एह काम अंदर जाए के एक ही आया पैगाम इमाम मैं आया लोग तिनके तुम आइयो एह काम कहते हैं चलिए इमाम मेहंदी का संदेश आया है और जो इमाम मेहंदी का संदेश लेकर आने वाले लोग हैं मैं उन मोमिनों को उन लोगों को लेकर के आया हूं आप चल करके उनसे मिल लीजिए बात कर लीजिए अब इमाम मेहंदी की बात सुनकर महल में से सुल्तान निकला आकर के एक चबूतरे पर खड़ा हो गया उसके हाथ में एक आशा अर्थात एक डंडा था छड़ी जिसको हम राजदंड कह सकते हैं ऐसी एक छड़ी थी और चबूतरे से नीचे जो ब्रह्म सृष्टि जो सुंदर साथ खड़े थे उनकी तरफ देखने लगा और कहते हैं मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट जो लिखिया लोमो फूज में और भई खटपट अब आव... जो लो मफूज में लिखा था अर्थात राज्य ने अपने दिल में जो ले रखा था मूल स्वरूप ने वो तो होना ही था पर सुंदरसाथ के आगमन को देखकर सुंदर सुंदरसाथ ब्रह्म मुनियो को देखकर औरंगजेब के दरबारियों में अब खलबली मच गई खलबली मचनी भी स्वाभाविक थी क्योंकि उन दरबारियों में से काफ़ी लोग उन साथ को जानते थे शेख सलेमान के यहाँ भी पहले कई बार गए थे और उन पांच दरबारियों के पास भी ये संदेश गया था भले ही व्यक्तिगत रूप से इन सुंदर साथ को नहीं जानते होंगे पर अधिकांश लोग ये जानते थे कि कोई तो एक ऐसा समूह है जो इमाम महदी के आगमन की बात कर रहा है कयामत की बात कर रहा है इसलिए सारे दरबारियों में खटपट हो गई दरबारियों में एक तरह की अजीब सी बेचैनी, घबराहट हो गई घबराहट इसीलिए हुई क्योंकि उनके मन में ये था उन्हें ये पता था कि ये वही मोमिन है ये वही लोग हैं जिनको हमने पिछले कई महीनों से इधर उधर भटका के रखा है आज कल परसों करते हुए पिछले कई महीनों से ये हमारे चक्कर काट रहे हैं और हम इसीलिए बादशाह से मिलने नहीं देना चाहते थे क्योंकि यदि ये मिलते तो शरीयत की बादशाहत समाप्त हो जाती अब यहां दोनों तरफ से फंसने की संभावना है जो दरबारी हैं वे दोनों तरफ से फंसने की संभावना में हैं। पहला एक कारण ये था कि यदि इमाम महदी के जाहिर होने की बात से बादशाह स्वीकार कर लेता है बादशाह इमाम मेहंदी कुश का आगमन स्वीकार कर लेता है कयामत का आगमन स्वीकार कर लेता है तब भी शरीयत का राज्य शरीयत की बादशाहत खत्म होने की चिंता है और यदि इन सुंदर साथ से वह किसी तरह से नाराज हो जाता है या चलिए नाराज नहीं भी होता है केवल इतना भी पता चल जाए कि इन लोगों ने मिलने नहीं दिया था इसी कारण से इन सुंदर साथ को गुसल खाने में रुका चिपकाना पड़ा तब भी उन लोगों की नौबत आ जाती सामत आ जाती इसीलिए अब आपस में खटपट होना शुरू हो गया आपस में संकेत में बात करने लग गए तो इतने में सुल्तान औरंगजेब ने सुंदर सात से इशारे में पूछा कि क्यों आए हो आपके आने का कारण क्या है तो उन ब्रह्म ने कहा कि हम दीन ए इस्लाम के आशिक हैं जो सच्चा शांति का मार्ग है धर्म का मार्ग है उसके हम आशिक हैं बादशाह ने कहा चलिए ठीक है ये तो मैंने सुन लिया अब आप बताइए कि आप हमसे क्या चाहते हैं सुंदर साथ ने कहा कि हमें और कोई चीज नहीं चाहिए दुनिया भी किसी चीज की कामना नहीं है हम केवल इतना चाहते हैं कि आप हमसे आमने सामने रू बैठकर धर्म की बातें करें इस्लाम की बातें करें और दूसरी शर्त यह कि हमारी और आपकी बातचीत के बीच में कोई भी तीसरा व्यक्ति ना आए आपको जो कुछ पूछना है आप हमसे पूछिए और हम अपनी जो भी बातें होंगी वो आपको सुनाएंगे फिर बादशाह ने पूछा चलिए ठीक है ये बात तो हम करते रहेंगे पर बताइए कि और कुछ चाहिए मेरे यहाँ कोई भी आता है तो कोई ना कोई दुनियावी चीज तो मांगता ही है दुनियावी वस्तु तो मांगता ही है आप बताइए कि आपको क्या चाहिए सुंदर साथ ने स्पष्ट और कड़क शब्दों में कहा तुम्हें तो कह सुनाइया हमें ना ही मुर्दार का मतलब कह रहे हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि हमें इस मुर्दार नश्वर संसार से कुछ भी नहीं चाहिए अब औरंगजेब ने उसके हाथ में जो आशा जो छड़ी थी उस छड़ी को लेकर तीन बार चूमा और सुंदर साथ जोश में बोले कि बादशाह हम ही वो लोग हैं जिन्होंने गुसल खाने में रुक्का चिपकाया था तब मोमिन बोले जोश में हम चौड़ा रुक्का सुनाया कान तुम्हें अपनी बात सुनाने के लिए हमने ही गुसलखाने में रुक्का चिपकाया था और इतना ही नहीं हमने तुम्हारे पांच दरबारियों के पास पांच नलवे भेजे थे पांच संदेश अथवा चिट्ठी अब वो पांच किस किस के पास भेजे शेख निजाम के पास पहले दूसरा रिजवी खान पर तीसरा आकिल खान चौथा सिद्दीक पौलाद और पांचवा है शेख इस्लाम शेख इस्लाम शेख निजाम रिजवी खान आकिल खान और सिद्दिक पौलर जिनमें से आकिल खान ने तो लेने से ही मना कर दिया कहते हैं हमने उन पांच दरबारियों को भले ही पत्र भेजा पर हमारी मनसा तुम तक संदेश पहुंचाने की थी कहते हैं सो सब तुम्हारे वास्ते सुनो तुम सुल्तान की बादशाह आप हमारी बात सुनिए हमने आपको अपनी बात सुनाने के लिए ही गुसल खाने में रुखा भी चिपकवाया था और पांच दरबारियों के पास संदेश भी भेजा था अब इतने में शेख सलीमान पास में ही खड़ा था दरबार में वो कांपने लगा वो सोच रहा था कि कहीं मेरा नाम न ले लें क्योंकि शेख सलीमान की वजह से ही वे बादशाह से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे इतने में बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई किताब है जिससे तुम बात करना चाहते हो तो सुंदर साथ ने कहा कि हम अभी मंगा लेंगे सुल्तान ने कहा कि ठीक है किताब मंगाना है तो आप मंगवा लेना पर आप मेरे दरबार में आए हैं तो मेरे दरबार में आने के बाद कुछ तो मांगिए दुनिया की चीज कहते हैं कहिया मागे दीन महमदे और न चाहे हम हमें केवल और केवल मुहम्मद साहब के द्वारा बताए गए दीन अथवा धर्म के विषय में चर्चा करनी है इसके अलावा आपसे और न ही दुनिया की किसी से किसी दुनियावी वस्तु की ख्वाहिश नहीं है कामना नहीं है अब सुंदर साथ का जोश देखकर औरंगजेब के दरबारी ही नहीं खुद औरंगजेब के अंदर भी डर बैठ गया और जितने दूसरे दरबारी थे वो तो दूर दूर से ही खड़े होकर के कांप रहे थे क्योंकि सबने ये अनुभव किया कि आज तक औरंगजेब ही नहीं औरंगजेब से पहले शाहजहां हुए शाहजहां से पहले अकबर हुए जितने भी मुगल बादशाह हैं उनमें से किसी के भी सामने इतने सख्त शब्दों में इतने सख्त लहजे में जवाब देने की या बात करने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी और जिनमें से औरंगजेब तो सबसे क्रूर है तो जब ये बात देख रहे थे औरंगजेब के दरबारी उनमें से किसी ने आकर बादशाह के कान में भड़काने के हिसाब से क्या कहा कि बादशाह सलामत इनमें से दस तन हिंदू के हैं और दो मुसलमान हैं क्या पता कि हिंदू होते हुए भी मुसलमान का वेश धारण करके आए हैं ये भी तो हो सकता है कि किसी दूसरे राजा के भेजे हुए गुप्तचर हों यदि इन्हें धर्म की ही बात करनी थी तो अपनी असली वेशभूषा में क्यों नहीं आए इस तरह से भड़का दिया तो औरंगजेब बादशाह को लगा कि दरबारियों की बात भी सही हो सकती है हमने पहले भी सुना पिछले लगभग तीन चार दिन पहले की चर्चा में कि औरंगजेब बहुत ज्यादा शक्की था वैसे भी दुनिया में एक मानसिकता होती है कि मनुष्य की जैसी प्रवृत्ति होती है वो दूसरे को भी वैसा ही समझता है जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो दूसरे व्यक्ति को भी ज्ञानी समझता है और दूसरे का सम्मान देता है जो व्यक्ति भोगी विलासी होगा वह दूसरे को भी उसी तरह से समझता है जो व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलता है तो उसको लगता है उसके सामने कोई सच्चा व्यक्ति भी हो तो लगता है कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है कहीं ये बहाने तो नहीं मार रहा है क्योंकि उसको हर तरह के झूठ बोलने के हथकंडे का पता होता है अब यहां औरंगजेब को सब पता है उसने जितने छल कपट से जितने लोगों को मारा है जिस तरह से राज्य हड़पा है अपने ही भाइयों का खात्मा किया अपने पिता को मरवाया तो औरंगजेब हर तरह के छल छद्रम कपट को जानता है इसलिए उसके मन में यह भी एक विकल्प था कि किसी दूसरे राजा के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं है तो उसने क्या किया कि अपने कोतवाल सिद्धिक फौलाद को इशारा किया कि इनको आप अपने घर ले जाइए जितने भी बारह लोग हैं इनको आप अपने घर लेके जाइए और ले जाकर के जांच पड़ताल कीजिए कि ये वास्तव में है कौन अब जैसे ही सुंदर साथ ने देखा कि हमें तो कोतवाल के घर भेजा जा रहा है सुंदर साथ डर गए डरने का मतलब उनके मन में शंका हो गई कि ये हमें वहां क्यों भेज रहे हैं अभी अचानक तो किताब मंगाने की बात हो रही थी कि बात करनी है तो कौन सी किताब से बात करनी है सुंदर साथ ने बोला था मंगा देते हैं अचानक से किसी ने कान में कोई बात कही हो, और औरंगजेब का मन बदल गया तथा कोतवाल के पास भेजा अब एक सिपाही आया सिपाही आकर के कोतवाल के पास आ, आ करके कहता है कि कोतवाल साहब आज दिन तक ऐसा कोई नहीं हुआ जब से बादशाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हैं तख्त तख्ते ताउस पर बैठे हैं इतने सख्त शब्दों में बोलने की हिम्मत किसी में नहीं हुई और वो भी मुँह पर सुल्तान के मुँह पर इसलिए आप इनके बारे में जानकारी पता कीजिए कि ये कौन है ऐसा बादशाह सलामत का आदेश है उनका हुक्म है इतना कह कर के सिपाही तो वहाँ से चला गया और बादशाह ने भी संकेत किया कोतवाल सिद्दिक फौलाद को कि इनको लेकर के जाओ कहते हैं तब इनकी बातें सुनियो पूछ देखो बुनियाद इनकी बातें सुनो और पूछताछ करो कि ये कौन है सारी बात मालूम करो और इन्हें अच्छी तरह से रखना कहते हैं इनों को नीके राखियो खाने पीने की खिदमत दिलगिर होने न पावही मैं सौंपे तुमको इत बादशाह ने तो क्या कह दिया कि इनकी अच्छे से खिदमत करना खिदमत अर्थात सेवा करना और किसी तरह से ये दुखी न होने पाए अब इतने में क्या हुआ कि ये खबर दिल्ली में फैल गई इस तरह से लोग गए थे दरबार में औरंगजेब बादशाह के इस तरह से बारह लोग गए थे उधर सुंदर साथ में भी ये बात फैल गई और विशेष रूप से क्योंकि दयाराम जी दिल्ली के ही रहने वाले थे उनके घर पे ये बात होनी शुरू हो गई दयाराम के घर वाले थोड़े अमीर होंगे उन्होंने आकर के कहा कि लोगों के बीच में ये बात फैला दी कि किसी को पैसे की ज़रूरत हो तो पैसा लेकर के दया राम जी की जगह पर वो खुद चला जाए और उसके बदले दया राम जी को छुड़ा ले उधर अब औरंगजेब के दरबार की बात हो रही है कोतवाल सिद्धिक फौलाद बारह सुंदर सात को लेकर के गया अपने घर पे शाम का समय हुआ शाम के भोजन के समय से पहले उन सुंदर सात को पूछवाया गया कि आप किस तरह का खाना खाएंगे कैसा भोजन करेंगे सुंदर साथ ने आपस में बातचीत की और कह दिया कहते हैं दस तन को लेके के कि ये दो तन बराबर दस तन हिंदुओं के हैं और दो तन शेख बदल और कायम मुल्ला मुस्लिम तन में है सामान्य रूप से मुसलमान मांसाहार ही करना पसंद करता है लेकिन अब यहाँ तो शेख बदल जी को भी श्री जी के स्वरूप पर पूर्ण ईमान आ चुका है उनका भी खान पान बदल चुका होगा कायम मुल्ला का भी बदल चुका होगा इसीलिए सब लोगों ने यह निर्णय दिया कि हम सभी एक जैसा शाकाहारी भोजन ही करेंगे अब रात्रि के समय में ये बात हो गई कि इस तरह से सब लोग एक जैसा भोजन करना चाहते हैं सब हिंदू जैसा भोजन करना चाहते हैं दूसरे दिन शेख इस्लाम ने भी ये बात सुनी कि इस तरह से इन लोगों ने एक जैसा खाने की बात की है और उन्हें अदालत में बुलाया गया अदालत में बुला करके सारी बातें की गई कहते हैं काफिरों ने सुल्तान को शक लियाए बीच ईमान तुमको ऐसा न चाहिए जो रूबरू बातें सुनो कान अब जितने बेईमान थे बेईमान कैसे वैसे तो जो जाहिरी मुसलमान हैं वो खुद को मोमिन और दूसरे को काफिर कहते हैं पर वास्तविकता क्या है कि जिसके भी हृदय में परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं है जो अविश्वास दिलाने वाला है वास्तव में वही काफिर है काफिर शब्द जो है वह कुफ्र से बना है बेईमानी से अज्ञानता से ईमान न लाने से और यही गलती हम सुंदर से भी होती है जो जाहिर मुसलमान है वो स्वयं को मोमिन और दूसरे को काफिर कहते हैं इसी तरह से सुंदर भी क्या करते हैं कि तारतम लेने के बाद अपने आप को तो सुंदर साथ कह देते हैं और दूसरे लोगों को कहते हैं कि ये तो प्रवाही हैं जबकि तारतम लेने के बाद भी कोई व्यक्ति प्रवाही हो सकता है हो सकता है कि नहीं कैसे हो सकता है आप पन्ना जी का प्रसंग देख लीजिए जब अष्ट प्रहर की सेवा चल रही है वहाँ आप सातवीं प्रहर की लीला के वर्णन में पढ़ेंगे या सुनेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ श्री जी की चर्चा सुनने कोई प्रवाह में आते थे कोई मर्यादा में आते थे कोई पुष्टि में आते थे और तारतम लेने के बाद भी जिसके हृदय में भक्ति की धारा नहीं है केवल आडंबर है पाखंड है तो और बाहर से दिखावा है ऐसे व्यक्ति को भी प्रवाही ही कहा गया है जिसके लिए वाणी कहती है कि बाहर दिखावे बंदगी माहे करे कुकरम काम महामति पूछे ब्रह्म सृष्टि को वैकुंठ जासी की धाम तो इसी तरह से काफिर हैं कोई केवल कलमा पढ़ लेने मात्र से मोमिन नहीं हो जाता यहाँ जो औरंगजेब के दरबारी लोग हैं धर्माधिकारी हैं तथा कथित वे भी कलमा तो पढ़ते होंगे नमाज पढ़ते होंगे पर न उनको उस कलमा पर ईमान है नमाज के शब्दों पर न कुरान के कथन कथन पर ईमान है उन्होंने औरंगजेब के कान में ये बात भर दी कि आपको इन लोगों से रूबरू बैठकर बात नहीं करनी चाहिए क्या पता किसी शत्रु राजा ने षड्यंत्र किया हो आप एकांत में बैठे और ये आपको मार दें तो इसलिए आपको बात अगर करनी भी हो तो आप सीधे बात मत कीजिए किसी सेवक को बीच में रखिए आप अपनी बात उन तक पहुंचाइए उनकी बात आप तक पहुंचाए अगर शाहजहां के शासन में औरंगजेब का जो पिता है शाहजहां के शासन में अगर कोई इस तरह की बात करता है या करता था तो उसकी गर्दन सीधे काट दी जाती थी उसको सीधे मृत्युदंड दिया जाता था इसीलिए आपको भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए सीधे बात नहीं करनी चाहिए अब औरंगजेब ने उसके मन में चाहत इच्छा तो थी कि इमाम महदी से मिले लेकिन क्या हुआ कि उस इच्छा की तीव्रता के कारण चुगलखोरों की उसने बात नहीं सुनी उसने निर्णय लिया कि वो सुंदर साथ से मिलेगा रूबरू बात करने का मान लिया सुकन औरंगजेब मान गया कि मैं बैठ करके बात करूंगा उसने क्या किया पाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी मोमिन उसने ऐसे व्यक्ति को भेजा जो पाजी का मतलब होता है जैसे जो दुष्ट होता है ना जो किसी प्रक किसी काम का नहीं होता है पाजी का पाजी का मतलब है दुष्टों का भी जो दुष्ट अर्थात महादुष्ट हो अर्थात औरंगजेब ने सुंदर की वास्तविकता जानने के लिए जिस व्यक्ति को भेजा वह दुष्टों में भी दुष्ट व्यक्ति था अब उसने क्या किया कि सुंदर साथ के साथ आकर के इस लहजे में इस तरीके से बात की जैसे सुंदर साथ कोई गुनेगार हो जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो लेकिन वह जो व्यक्ति था एक गुप्तचर था गुप्तचर की बातों को सुनकर के सुंदर साथ सावधान हो गए सावधानी किस क्षेत्र में क्योंकि वह गुप्तचर इस तरह से बातें कर रहा था कि वो जानना चाहता था कि उन सुंदर साथ को भेजने वाला कौन है अर्थात श्रीजी के विषय में वो जानना चाहता था कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है अब इस बात को पता करने के लिए सुंदर साथ को यातना दी गई कई सुंदर साहद का ये मत है बहुत से सुंदर साहत ये कहते हैं कि नहीं नहीं बारह सुंदर साहद को यातना नहीं दी गई बारह मोमिनों को यातना नहीं दी गई उनकी छवि को ख़राब क्यों किया जाता है ऐसा नहीं कहना चाहिए हम ये कैसे मान लें कि बारह सुंदर सात की पिटाई हुई वहाँ पर यातना हुई कोड़े बरसाए गए किस तरह से माने हम नहीं मानेंगे सुंदर साहद अगर इस तरह की बात करता है तो ये उन बारह सुंदर सात की इज्जत को कम करने की बात होगी ऐसी एक विचारधारा है देखिए इसमें दो तरह की बातें हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि उन सुंदर सात को शारीरिक यातना दी गई ऐसा नहीं केवल मौखिक रूप से नहीं बोला है कैसे देखिए एक प्रसंग में बताता हूं फिर आगे इस बात को मैं स्पष्ट करूंगा काजी शेख इस्लाम से जब बात हुई उसके बाद जब रात भर की यातना हुई उसके बाद शेख इस्लाम से जब बात हुई तो क्या कहा सुंदर साथ ने कि हमारे पैगंबर ने क्यों ए फरमाया तुम हदीसा फ़ुरमान में यों कहा जो दीजे कसाला गुम कि क्या हमारे पैगंबर मुहम्मद साहब ने कुरान में कहीं इस तरह की बात लिखी है कि जो खुदा का संदेश लेकर के आए उसको कसाला दिया जाए कसाला मतलब कष्ट यातना चोट और यहाँ गुम है गुम चोट का मतलब क्या है जैसे आज भी जितने भी पुलिस वाले हैं वे जिसको अपराधी मानते हैं उसको बात कबूल कराने के लिए या सच उगलवाने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे प्रयोग करते हैं जिसमें यातना दी जाती है पर वो बता नहीं सकते कि किस तरह से यातना दी गई तो यहाँ ये यह नहीं कह सकते कि केवल मानसिक यातना दी गई क्योंकि पहली बात सिद्धिक फौलाद जैसा जालिम है औरंगजेब के दरबार में कोई पहुंचे औरंगजेब बादशाह से इतनी उच्च स्वर में बात करे और उसके बाद क्या आपको लगता है कि सिद्धिक फौलाद जैसा जो क्रूर कोतवाल है वो केवल मौखिक रूप से पूछताछ करेगा और जिसमें भी जब उनको पता चले कि इनमें से दस लोग हिंदू हैं और दूसरी बात यदि केवल मानसिक रूप से यातना दी गई होती मानसिक रूप से यातना क्या होता है डांट डपट की होती तो केवल इतनी बात से श्रीजी को इतना क्रोध नहीं आता कि जिसमें यह कहना पड़ता कि मुलाकात श्रीराज की सुनी श्रीराज ने जब मुलाकात सुल्तान की सुनी श्रीराज ने जब कानजी पहुंचा उसी दिन बहुत गुस्से हुए तब केवल मानसिक रूप से सुंदर साथ के साथ डांट डपट की होती सख्ताई से पूछताछ की होती तो श्री जी इतना गुस्सा कभी भी नहीं होते पहली बार दूसरी बात आगे जब इस तरह की बात हो रही है सुंदर साथ ने एक और बात कही कि जो खुदाए और रसूल पर लिया ईमान तापर कसाला पहुंचत सुनो कलमा कान कि क्या आपने कुरान में ऐसा ही सुना है कि जो खुदा का संदेश लेकर के आए उसको इस तरह से कष्ट दिया जाए और इस बात को जब सुना काजी ने काजी शेख इस्लाम ने तो वो रोने लगा केवल डांटने की बात होती तो काजी के रोने का कोई सवाल नहीं होता जहाँ तक ये प्रसंग है इतना स्पष्ट होता है कि सुंदर साथ को जो यातना दी गई उस यातना के कोई ना कोई चिन्ह दिख रहे होंगे सुंदर साथ के चेहरे पर वो भाव दिख रहे होंगे तभी वो काजी जो इतना क्रूर है वह भी सुंदर साथ की अवस्था देख करके क्या कह रहे हैं श्री लालदास जी कि सुनके काजी रोइया हमारे पैगंबर कहना नाम कि हमारे मुहम्मद साहब का ये वास्ता दे रहे हैं वो काजी रोने लगा तो ये दो प्रसंग एक तो श्री जी का इतना ज्यादा रोष करना और दूसरा काजी का रोना ये दर्शाता है कि सुंदर साथ को शारीरिक यातना दी गई अब यहां जो सुंदरसात ये कहते हैं कि इससे उन बारह सुंदर की जो इज्जत है या जो छवि है वो खराब होती है कि उन्होंने पिटाई खाई उन्होंने मार खाई वास्तव में ऐसा नहीं है एक प्रश्न में पूछूं आपसे जितने स्वतंत्रता सेनानी थे जितने भी क्रांतिकारी हुए उन क्रांतिकारियों में से ऐसा कौन होगा जिसने अंग्रेजों की मार नहीं खाई होगी जब हम क्रांतिकारियों की बात करते हैं तो उनके द्वारा मार सहन करने की बात को या अंग्रेजों के द्वारा यातना सहन करने की बात को हम गौरव के साथ सुनाते हैं क्यों क्योंकि हमने उसको त्याग के रूप में लिया बलिदान के रूप में लिया यहां जागनी का कार्य करने के लिए सेवा भाव में जब सुंदर साथ चले हैं उन्होंने औरंगजेब के सैनिकों की यातना सहन की है मार सहन की है इसको सुनना ये शर्म की बात नहीं है ये तो हमारा गौरव है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे ब्रह्म मुनि हुए जिन्होंने जागने के लिए इतना बड़ा त्याग किया तो किसी सुंदर साथ को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है शहीदों ने भी तो आप देखेंगे काला पानी की सजा जिन्होंने काटी है उन्होंने किस तरह की सजा काटी है या जितने भी शहीद हुए उन्होंने कितने डंडे खाए होंगे आप लाला लाजपत राय जी के प्रसंग को देख लीजिए चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए भगत सिंह जी को राजगुरु सुखदेव किसी भी शहीद को देख लीजिए उधम सिंह का प्रसंग तो आप लोग शायद जानते ही होंगे सरदार उधम सिंह उनको कितनी यातना दी गई सावरकर जी को कितनी यातना दी गई जब हम ये सब बात सुनते हैं तब हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे त्यागी लोग हुए जिनके त्याग के फलस्वरूप हम यहाँ बैठे हैं तो बारह मोमिनों ने यदि यातना सहन की तो इस बात को हम छिपाने की ज़रूरत क्या है हमें हमें तो गौरव के साथ कहना चाहिए कि हाँ हमारे समाज में ऐसे ब्रह्म मुनि हुए जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया और जिसमें से हमें सीखना चाहिए उस बात को छुपाना नहीं चाहिए अब सुंदर साथ ने कहा ना हम काहू का धन लिया ना कछु किया छिनार चोरी भी हम ना करी तो तुम ऐसा किया क्यों खार देखिए सुंदर साथ कह रहे हैं कि न तो हमने किसी का धन लिया ना हमने किसी प्रकार की चोरी की और न किसी प्रकार की आचरणहीनता का काम किया तो हमारे साथ ऐसा इतना बुरा व्यवहार क्यों किया गया इससे भी स्पष्ट होता है कि उन्हें जो यातना दी गई वह ऐसी यातना थी जो चोरी करने वाले को लूटने वाले को या आचरणहीनता का व्यवहार करने वाले को दिया जाता था उससे भी बुरी यातना थी तभी तो सुंदर साथ ने यह बात कही कि हमने तो चोरी भी नहीं की थी हमने किसी का धन भी नहीं लिया था और आप खुद सोचिए कि शरीयत के कानून में चोरी करने के ऊपर लूटने के ऊपर कितनी कठोर सजा का प्रावधान है इसीलिए हम केवल मानसिक यातना की बात यहाँ नहीं कह सकते सुंदर साथ को वहाँ पर इस तरह से शारीरिक यातना दी गई थी अब सुंदर साथ ने कहा अब हम न तो बादशाह मिल से मिलने की इच्छा रखते हैं और न उनसे कुरान की बात करना चाहेंगे हम आपसे बात करेंगे आपको यदि हमारी बात सुननी हो तो आप सुन लीजिए वरना हम अब सुल्तान से तो बात नहीं करने वाले तो शेख इस्लाम ने सुल्तान औरंगजेब बादशाह से ये अर्जी कराई कि आप इन्हें मेरे हवाले कर दीजिए मैं इन्हें अपने घर लेके जाना चाहता हूँ और इन लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ अब बादशाह ने आदेश दिया कि ठीक है इनको आप अपने पास रख लीजिए पास रख के सुंदर साथ की जो भी जो भी मोमिन है उन सब की खिदमत कीजिए सेवा कीजिए कहते हैं इनों की खिदमत कीजिए दिल से छुटी आस अब सुंदर साथ के मन में औरंगजेब से मिलने की जो इच्छा थी या उम्मीद थी वो छूट गई उन्हें इसी बखत में कह मगाए मलिदे दे इन बादशाह ने कहा कि इन लोगों को इसी समय अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाओ और अच्छी तरह से सेवा करो ताकि हमारे यहाँ रहने का इन्हें किसी भी तरह से कष्ट ना हो शेख इस्लाम अब सुंदर साथ को अपने घर लेके गया अब घर तो लेके गया लेकिन औरंगजेब बादशाह के जो सैनिक हैं वे प्रहरा दे रहे हैं अर्थात इनको खुली छूट नहीं है नज़रबंद में ही रखा गया है शेख इस्लाम के घर पर रह रहे हैं पर नज़रबंद की अवस्था में बादशाह के कुछ सैनिक प्रहरा दिया करते थे दिन भर अब दूसरे दिन काजी ने सुंदर साथ को बुलाया और फिर बात होने लगी कुछ प्रश्न पूछने लगे कयामत से संबंधित इमाम मेहंदी के जाहिर होने से संबंधित जिसका उत्तर उन्होंने सुंदर साथ ने दिया उसके बाद सब सुंदर साथ काजी शेख इस्लाम के भाई के घर में गए अब वहां गए तो शेख बदल के ऊपर राज्य का जोश आया उन्होंने जोश में भर करके चर्चा करनी बात करनी शुरू कर दी जिसको देख करके काजी का भाई डर गया और घर में अपने घर के अंदर छिप गया तीसरे दिन काजी ने फिर से सुंदर साथ को अपने पास बुलाया और सुंदर साथ ने बात काजी को एक किताब दिखाई उस किताब में इमाम मेहदी के जाहिर होने की बात लिखी थी संकेतों में इशारों में जब ये प्रमाण उसको दिया गया तो काजी कहता है कि ये बात तो ये किताब तो तुमने लिखी है क्योंकि इसमें तो तुम्हारी बात लिखी है तब सुंदर साथ ने जवाब दिया है कि नहीं हम ऐसा काम नहीं करते हमें तो ऐसा लगा था कि आप बुद्धिमान हैं चतुर हैं पर हमें ये पता नहीं था कि आप इतनी बेवकूफ़ी भरी बात कर सकते हैं आप ऐसा विचार क्यों नहीं करते कि हम इस तरह की जालसाजी का काम नहीं करते और आप इस किताब को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये किताब हमारी बनाई हुई नहीं है हमने उर्दू बाज़ार से दिल्ली में उर्दू बाज़ार से ये किताब लिया है और आप चाहें तो जा कर के बाज़ार में भी पता कर सकते हैं कि ये किताब उपलब्ध है तो काजी के पास कोई बात नहीं थी उसने विषय बदला और दूसरे विषय में बात करने लग गए अब शेख इस्लाम के घर पे एकांत एक में बैठकर सुंदर साथ ने सनंद के दो प्रकरण को सुनाया एक प्रकरण था बिना एक मोहम्मद की सनंद बिना एक मोहम्मद की जिसके विषय में हमने पहले भी चर्चा की थी और दूसरा जो प्रकरण है वह है सनंद दोजख की दोजख किसे कहते हैं देखिए हिंदू मत में भी नरक की धारणा की गई है और इस्लाम मत में उसी को दोजख कहा जाता है वास्तव में नरक और स्वर्ग की जो बात की जाती है ये स्थान विशेष नहीं है इसको आप अवस्था विशेष से समझिए नरक अथवा दोजख का तात्पर्य है दुख का स्थान नरक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं एक तो जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई गलती हुई है जिसका आपको किसी समय में जाकर के पछतावा होता है तो पछतावा क्या है एक तरह का दुख है स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक बात कहते हैं कि जिस कार्य को करने से उस कार्य को करते हुए यदि आपको डर लग रहा है जो कार्य दूसरों के सामने करने में शर्म भी आती है और साथ में दुख का भी अनुभव होता है तो समझ लीजिए कि आप अब पाप कर रहे हैं तो एक नरक यह है कि आपने गलती की और वो भी बड़ी गलती और आपका आपको उसका एहसास हो रहा है और उससे दुखी हो रहे हैं तो वह भी नरक है दूसरा आपके कर्म के फल इसी जन्म में आपको प्राप्त होते हैं यदि और जैसे कर्म है बुरे कर्म है तो उनका फल दुख रूपी ही मिलेगा तो ये एक नरक हो गया और एक और नरक है कि जितनी मनुष्य योनि के अलावा दूसरी जितनी योनियां हैं ये विभिन्न प्रकार के नरक हैं भागवत में नरक के चौरासी कुंड की बात की जाती है गरुड़ पुराण में भी इस तरह से विभिन्न नरक की बात की जाती है विभिन्न प्रकार की सजा की बात की जाती है ये जो चौरासी लाख योनिया है मानव जीवन के अतिरिक्त ये सभी नरक हैं। और वैसे देखा जाए मानव जीवन में भी अवस्था विशेष को नरक कहा जा सकता है देखिए एक शेर है वो मांस खाता है पर आपको लगता है कि वह सुखी है मांस खाना वो भी कच्चा मांस खाना दुर्गंधित यह उसकी मजबूरी है और जब वह बूढ़ा हो जाता है जब वह शिकार नहीं कर पाता उस समय शेर की क्या अवस्था होती है आप कल्पना कर सकते हैं भूख से तड़प तड़प करके वो मर जाता है क्योंकि शिकार वो कर नहीं पाता और पूरे जीवन भर उसने दूसरे का शिकार किया होगा पर जब शेर शिकार नहीं कर पाता है तो सियार गिदड़ जैसे जो छोटे छोटे जानवर है वो उसका शिकार करके खाते हैं तो ये नरक नारकीय जीवन है ठीक है नरक कोई अलग से ऐसी योनि नहीं है या फिर नरक कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसके विषय में जैसे हिंदू धर्म में भी कहा जाता है कि वहां कोई ऐसा पाप होगा तो तेल में तला जाएगा कोई ऐसा पाप होगा तो उसको उबाला जाएगा ये सब सिर्फ डराने के लिए है डराना क्यों क्योंकि देखिए लोग धर्म ऐसे ही नहीं करते कुछ लोग ऐसे हैं जो पुष्टि मार्ग अर्थात तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए धर्म करते हैं कुछ लोग नरक से बचने के लिए डर कर धर्म करते हैं और कुछ लोग एक दूसरे की देखा देखी धर्म करते हैं और डर के करने वालों की संख्या अधिक होती है आपने कोरोना के समय में महसूस किया होगा कि सभी लोग धार्मिक बन गए थे सबके मन में कहीं ना कहीं धार्मिक भावना आ गई थी यहां तक कि मान लीजिए कि जो केवल भौतिक विज्ञान पढ़ा है ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार भी नहीं करता लेकिन अचानक से उसके सामने शेर आ जाए तो सबसे पहले ओ माई गॉड बोलेगा भले ही वो परमात्मा को नहीं मानता हो ठीक है तो डर से धर्म करने वाले काफी होते हैं अब यहां सवाल मैंने पहले कहा कि नरक में जिन कुंडों की बात की जाती है कि कहीं पर पापी व्यक्ति को जलाया जाता है कहीं पर उसको काटा जाता है कहीं पर सुई चुभोया जाता है भाले से चुभोया जाता है वास्तव में ऐसा नहीं है अगर ऐसा हो तब तो गीता झूठी निकले गीता में क्या कहा जाता है कि ये जो जीव है उसको कोई छेद नहीं कर सकता है कोई शस्त्र छेद नहीं कर सकता है नैनम छिंदंती शस्त्राणी कोई शस्त्र छेद नहीं कर सकता है नैनम दहती पावकह न आग इसको जला सकती है नैनम क्लेदयंत्यापो पानी में वह भीगता भी नहीं है और न शोषयती मारुता न वायु इसको सुखा सकता है जब इसको हवा नहीं लगती जब इसको आग नहीं लगता जब इस पर कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करते तो फिर नरक के कुंड में पकोड़े की तरह किसको तला जाता है इसीलिए जिस नरक की बात की जाती है वह भ्रम है एक वैसे आलंकारिक वर्णन है जैसे मान ली मान लीजिए कि किसी जघन्य पाप के फल स्वरूप किसी को सुअर की योनि मिली सुअर को क्या किया जाता है सुअर को कैसे मारते हैं एक बहुत नुकीला सरिया होता है उसको गरम करके छेद किया जाता है जीवित सुअर को यह नरक नहीं है जो भैंसा होता है या भैंस भैंसे को कैसे मारते हैं जो हथोड़ा होता है ना या कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी के धार वाला हिस्सा नहीं पीछे वाले हिस्से से सिर पर मारा जाता है नरक नहीं है इसी तरह से जितने भी जानवर हैं उन सब जानवर को उसी तरह से मारा जाता है विभिन्न प्रकार से ये नरक के कुंड हैं अब जो मुख्य बात यहां पर की जा रही है सनंद दोजक की यहां दोजक का मतलब वह पीड़ा जो पश्चाताप से अथवा पछतावे से हो रही है और पश्चाताप कैसी जिन जिन लोगों ने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान समय रहते नहीं की चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो यदि प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर रहे हैं बार बार कराने के बाद भी तो एक समय ऐसा आएगा कि उन्हें पश्चाताप की प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा जिसको दोजख की अग्नि कहा गया है तो ये दो प्रकरण हुए एक है बिना एक मोहम्मद की और एक दोजख की तो इस प्रकरण को जब सुना कहते हैं तब राजी होए के कहे फेर फेर गाओ सोए खड़ा दारोगा बेतल माल का सो नागर जात का हो अब वहां काजी उस उन दो सनंदों को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ और बार बार कहने लगा कि गाओ इससे गाओ एक बार नहीं अनेक बार उसने सुना अब वहीं पर एक धार्मिक कोष था बेतलमाल का बेतलमाल किसे कहते हैं कि जो धर्म के लिए कोष बनाया जाए फंड इकट्ठा किया जाए उस कोष का जो अधिकारी था वह एक हिंदू था एक नागर जाति का हिंदू था उसने जब सुना इस सनंद को तो कहते हैं तिनको प्यार करके कहया सुनो ए कान देखो तुम्हारे खिलके में कैसा लिया ईमान काजी शेख इस्लाम ने उन उस नागर जाति के हिंदू अधिकारी को कहा कि देखो ये हिंदू हैं जो बारह सुंदर सात हैं उनको दिखा करके कि इनमें सब हिंदू हैं और हिंदू होते हुए भी किस तरह से ये मोहम्मद साहब के ऊपर ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ तो वहाँ से इतना सुनते ही वो वहाँ से इस तरह से भागा इस शर्म के साथ भागा जैसे कि उसने सोचा हो कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ कहते हैं कि अब मैं इन हिंदुओं से क्या कहूँ इन्होंने तो धर्म परिवर्तन कर लिया ये तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कहते हैं बड़ी दिलगिरी करके भागा अपने ठोर छोड़ दिया काजी ने बड़ा जो हुआ सोर अब दुखी होकर के वह जो हिंदू अधिकारी था वहाँ से भागा भागते हुए अपने घर पर पहुँचा उधर काजी ने भी कोई रोकने का प्रयास नहीं किया उसे और इस बात को लेकर के बहुत शोर शराबा होने लगा अब काजी सुंदर साहब से प्रश्न पूछने लगा कि आप ये जो कयामत का जाहिर होने की बात करते हो दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं सदी में तो आप किस आधार पर करते हो तो सुंदर साहब ने उत्तर दिया कि ये बात बिल्कुल सही है कुरान के तीसवें पारे में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि दसवीं ग्यारहवीं और बारहवीं सदी में कयामत होगी और उस कयामत में इशार का आगमन होगा इमाम मेहदी का आगमन होगा इसी तरह से कुरान के पारह बाईस में भी ये वर्णन है जिसमें ये बात बताई गई है कि खुदा अल्लाह ताला ने जो वादा किया है यहाँ आने का वो कल को आएंगे कल को किस तरह से आएंगे कि एक गिनती के अनुसार वो ये मानते हैं कि इस दुनिया के हजार साल के बराबर खुदा का एक दिन होता है और सौ साल के बराबर रात होती है तो उस हिसाब से ग्यारहवीं सदी में निश्चित हो गया कल का दिन मतलब आज के हजार साल और रात के जो सौ साल ग्यारह सौ साल हो गए इसी तरह से वो ये भी कहते हैं कि हर हजार साल में प्रत्येक हजार साल में एक धर्म सुधारक का अवतरण होता है जिसको मुजाहिद कहा जाता है तो दसवीं सदी में इस तरह से जब इन सारी बातों का हिसाब किताब लगाते हैं तो दसवीं सदी से लेकर के बारहवीं सदी तक क़यामत जाहिर होना निश्चित होता है और तेरहवीं सदी में ये निश्चित बताया गया है कि कुरान के सभी रहस्य खुल जाएंगे और पूरी दुनिया में कायमी फैल जाएगी क़यामत फैल जाएगी वैसे तो ज्ञान दृष्टि से जो कायमी की बात है कयामत की बात की है तारतम वाणी का अवतरण हो चुका है पर हाँ स्वरूप से जो कायमी की बात की जाती है बहिष्टों में अखंड मुक्ति की तो उसके विषय में वाणी कहती है कि ए दिन किने न किया मुक्रर ताए पहचानो जिन दई खबर महाप्रलय का दिन किसी ने भी निश्चित नहीं किया है हाँ उसकी पहचान करने की आवश्यकता है जिसने कयामत की खबर दी है अर्थात श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करने की आवश्यकता है इस तरह से जब बात की कहते हैं तब एक दूसरे को सामे लगे देखन ये तो बड़ा मुकदमा बीच गिरोह मोमिन अब सभी लोग एक दूसरे के ऊपर आश्चर्यचकित होकर के देखने लग गए वहाँ सुनने वाले लोग जैसे कि किसी ने उनकी आंखें खोल दी हो और इन लोगों ने ये बात भी सोची कि इस तरह से कयामत को जाहिर करना इमाम मेहदी के आगमन की बात बताना ईसारुल्लाह के आगमन की बात बताना ये बहुत बड़ी बात है उनमें से किसी एक शख्स ने प्रश्न किया सुंदर साथ से कि कहते हैं कि आप लोग इतने समय से दीन पर इस धर्म पर ईमान लाए हुए हैं लेकिन आप एक बार भी नमाज नहीं पढ़ते क्यों क्योंकि जो कट्टर मुसलमान होगा वो यही तो सोचेगा केवल शरीयत उसको पता है कलमा नमाज इत्यादि उन्होंने ये सवाल पूछा सुंदर साथ ने कहा कि देखिए हमारी जो नमाज है वो कभी भी बंद ही नहीं होती है कोई भी ऐसा पल नहीं जाता कोई भी ऐसा समय नहीं जाता जब हम उस खुदा को याद न करते हों कि जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया होए सोए यदि हम दुनिया की झूठी ख्वाहिशों को दुनिया की झूठी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवित रह रहे होते और यदि हम संसार के झूठे काम में फंसे होते तो ये माना जाता कि हमारी नमाज भंग हो रही है टूट रही है पर जैसा कि सच्चे फकीर को सच्चे साधु महात्मा को करना चाहिए वे सुंदर साथ भी यही करते हैं सच्चा फकीर क्या करता है अकेले होता है तो वो खुदा से बात करता है और किसी के साथ होता है तो खुदा की बात करता है सुंदर साथ में भी रहनी यही तो होनी चाहिए कि यदि हम किसी के साथ बैठे हों तो राज्य की बात करें राज्य की वाणी की बात करें और अकेले में बैठे हों तो हम चितवनी के माध्यम से या वाणी के माध्यम से राज्य से बात करें वाणी को हम किसी किताब के रूप में ग्रंथ के रूप में न लें जब भी हम वाणी पढ़ें देखिए दो बातें हैं दो परिस्थिति होती है ना एक तो ये कि हम या तो उस अवस्था में पहुंच गए हों कि आंख बंद करें और सीधे राज्य से बातें करने लग जाए वाणी की भी आवश्यकता ना पड़े हम हृदय के जुबा से बात करें हृदय के कान से राज्य की बात सुने जैसा कि हम कहते हैं ना रूह नैनो दीदार कर रूह जुबा हक सो बोल इस तरह से या तो हम राज्य से बात करें ये तो उत्तम अवस्था है लेकिन यदि हम उस अवस्था तक अभी नहीं भी पहुंच पाए हैं प्रयास कर रहे हैं तो उसी प्रयास के बहुत सारी पद्धतियों में बहुत सारे तरीकों में एक तरीका यह भी है कि वाणी को ये समझते हुए ये मानते हुए कि ये तो राज्य ही हैं राज्य हमसे बात कर रहे हैं अलग अलग प्रकरणों के माध्यम से जैसे एक प्रकरण आता है किरंतन के अंदर जीव को जगाने का जैसे देह का जव, सवाल जवाब है जीव के तरफ का जवाब है देह का जवाब है तो उसको पढ़ते हुए हम ये माने कि जी हमारे जीव को इस तरह से प्रबोधित करना चाहते हैं जहां बात आत्म प्रबोध की है जैसे रूहो मेरे तुम्हारा आशिक मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं कौन बैक? कौन कह रहा है जी साक्षात कह रहे हैं ना तो ऐसे प्रसंगों से हम ये देखें कि जी हमारी आत्मा से सीधे बात कर रहे हैं जीव को जगाने के प्रसंग से हम ये जाने राज जी हमारे जीव को जागृत करने के लिए ऐसे कह रहे हैं तो इस तरह से वाणी को हम यदि पढ़ें तो ये हमारी वास्तविक रहनी होगी हमारी बातचीत का मुख्य केंद्र क्या होता है माया देखिए यदि हम दुनिया में किसी से भी बात करते हुए या तो वाणी की बात कर रहे हैं राज्य की बात कर रहे हैं ध्यान साधना आत्म जागृति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों की बात कर रहे हैं चितवनी की बात कर रहे हैं उन तरीकों की बाधाओं की समस्या और समाधान की बात कर रहे हैं सेवा जागनी जागनी के लिए समस्या और समाधान की बात कर रहे हैं तब तो बातचीत करना ठीक भी है लेकिन इसके अलावा यदि हमारे हमारी बातचीत में न राज्य का विषय आता है न परमधाम का विषय आता है न आत्म जागृति का साधना का न समाज कल्याण का विषय आता है तो समझ लीजिए कि हमारी बातचीत व्यर्थ है इस दुनिया के लोग भी सामान्य रूप में क्या कहते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेशु, कालो धीमताम, व्यसनेन तो मूर्खाणाम निद्रया कल है जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे या तो काव्य इत्यादि की बात करते हैं या शास्त्रों की बात करते हैं या फिर सामान्य आनंद की बात करते हैं और जो मूर्ख हैं वो क्या करते हैं अपने अपना समय किस में लगाते हैं या तो कलह झगड़ा इत्यादि में झगड़ा करने में या फिर किसी भी तरह के व्यसन में और यहाँ व्यसन का मतलब केवल ड्रग्स की सिगरेट की धूम्रपान मद्यपान इत्यादि की बात नहीं है नशा किसी भी तरह का हो सकता है ना ये जो एक दूसरे की चुगली करने का और सुनने का नशा होता है ना ये भी बहुत बुरा नशा है क्योंकि जिसको इसका चस्का लग जाता है जिसको इसकी आदत लग जाती है छुड़ा पाना बहुत मुश्किल होता है देखिए जैसे मान लीजिए कि, कि किसी को स्मोकिंग का नशा है आप दुकानें बंद करवा दीजिए सरकार की तरफ से छूट जाएगा मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा पर जिसको निंदा और चुगली का नशा लग गया आप कैसे बंद करवाएंगे उसको बंद करवाने का तो कोई दूसरे के पास उपाय ही नहीं तो ये नशा और भी खतरनाक है तो इस तरह के व्यसन से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दूर रहते हैं तो हम सुंदर साथ को भी यहाँ इन बारह सुंदर साथ के प्रसंग से हमें शिक्षा मिल रही है कहते हैं कि यदि हम दुनिया का काम कर रहे होते यदि हमने दुनिया को पकड़ा होता तो ये माना जा सकता था कि हमारी नमाज भंग होती है लेकिन हम तो हमेशा केवल धर्म के बारे में ही चिंतन करते हैं धर्म की ही बात होती है और खुदा की बात होती है या खुदा से बात होती है इसलिए हमारी नमाज कभी भंग नहीं होती है कहते हैं तब हमारी नमाज को कबहू ना होवे नुकसान बैठे उठे चले बातें करे सो सब निमाज ही जान हम जो बैठते भी हैं खड़े होते हैं कुछ भी कर रहे हैं हम हम कहते हैं ना चौपाई कि खाते पीते उठते बैठते सुपन सोवत जागृत है ना दम न छोड़े मासुक को जाकी असल हक निस्वत जैसी ब्रज में हमारी रहनी थी तो इस तरह की हमारी रहनी है तो हमारी नमाज कभी भी भंग नहीं होती है। कहते हैं तब कह एक दूसरे को दे इनको जवाब यदि आपके पास जवाब है इनकी बात का तो जवाब दीजिए अब सब लोग मुंह खुले रह करके के खुला रह करके खड़े हो गए क्योंकि उनके पास कोई जवाब तो था नहीं मुँह बाए रह गए कहते हैं फिर तीसरे दिन को बुलाए पूछी बात सुनाओ मोहे सनंदे हम पावे अपनी जात अब तीसरे दिन काजी शेख इस्लाम ने फिर से सुंदर साथ को बुलाया और उसने कहा कि आप हमें सनंद ग्रंथ को सुनाइए ताकि हमें भी हमारी पहचान हो सके अब वहाँ लालदास जी और भीम भाई बैठ सनंद ग्रंथ से एक प्रकरण सुनाया सनंद इमाम के मिलाप की अब सुना तो उन्होंने लेकिन कहते हैं पर देखें ना हृदय अंध हृदय के जो अंधे लोग हैं शरीयत में बंधे लोग हैं तो उन्होंने सुनने के बाद भी उस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी उनकी अंतर्दृष्टि नहीं खुली अब जो इमाम के मिलाप की सनंदी उसमें एक चौपाई आती है कि मिलाप हुआ महदीसों तब कहया महामती नाम अब में हुई जाहिर देखा वतन श्रीधाम इंद्रावती जी की आत्मा का मिलन जब श्री प्राणनाथ जी अर्थात श्री अक्षराती सेवा मूल स्वरूप से ये चौपाई उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक तरह से तमाचा है जिनको प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं है और आज ब्रह्मवाणी के अवतरण के इतने वर्ष के बाद भी न महामती जी का मिहिरराज जी का और प्राणनाथ जी का अंतर पता है लोग मिहरराज जी महामती जी इंद्रावती जी प्राणनाथ जी सबको एक ही बनाए बैठे यहां क्या कह रहे हैं कि जब इंद्रावती जी की आत्मा के हृदय में अक्षरातीत विराजमान हुए तब उनको महामती कहा गया अर्थात इंद्रावती जी परमधाम की आत्मा है उनके हृदय में जो राज्य विराजमान है अक्षरातीत वो प्राणनाथ है जब पांचों शक्ति विराजमान हो गई तो इंद्रावती जी की आत्मा को ही महामती की शोभा मिली और मिहिर राज्य उस तन का नाम है ये चार अलग अलग हैं हाँ जब हम प्राणनाथ जी कहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यहाँ हम राज जी की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ मिहिर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कई साहित्य भी मैंने पढ़े कई तथाकथित स्वयंभू प्रचारक जो अपने नाम के आगे एक हजार आठ तक लगा देते हैं मुझे भी पता नहीं कि एक हजार आठ का मतलब क्या होता है एक सौ आठ पक्ष तो सुना था पर लोगों ने सोचा होगा कि एक सौ आठ पक्ष से क्यों हम तो उससे भी दस कदम आगे दस गुना आगे तो दस गुना लगा दिया एक हजार आठ बना दिया ऐसे लोग कहते हैं कि श्री प्राणनाथ जी का जन्म विक्रम संबद सोलह में हुआ था उनका बचपन का नाम मिहिर राज था और बाद में उनको प्राणनाथ जी कहा जाने लगा ये कहाँ लिखा है ये कौन सा सिद्धांत है तो यहां क्या कह रहे हैं कि मिलाप हुआ मेहदी सो तब कहया महामती नाम अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्रीधाम अब मैं महामती जी के रूप में जाहिर हो गई हूँ इंद्रावती जी कह रहे हैं कि अब मैं महामती जी के रूप में जाहिर हुई हूँ और मैंने अपने वतन को अपने मूल घर को देखा है इस तरह उन्होंने सनन इमाम के मिलाप की सुनी और सुन करके कहा कि अच्छा ठीक है अब आप इस किताब को रख दीजिए और फिर इमाम मेहदी से मिलाप के विषय में शेख इस्लाम ने तीन बार पूछा बा एक बार नहीं तीन बार पूछा कहते मिलाप भया इमाम सो एह बात बरहक हम तो उम्मीदवार हैं तीन में ना ही सक। काजी कहता है कि इमाम से मेहदी का मिलन हुआ इसमें कोई शक नहीं है और हम भी उनसे मिलने की उम्मीद रखते हैं हम भी उनसे मिलना चाहते हैं पर अब बात तुम छिपाओ ये दोगलापन कहते हैं ना कहते हैं, हम मिलना तो चाहते हैं पर अभी के लिए तुम इस बात को छिपा दो जिन करो जाहिर पहचान कि इमाम मेहंदी की पहचान जाहिर मत करो जब अपने आप जाहिर हो जाएंगे तो हम उनके चरणों में प्रणाम कर लेंगे हम उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे पर अभी के लिए तुम उनको जाहिर मत करो मोमिन तो गरीब है बकरी जेताबल बल अब क्योंकि शेख इस्लाम ने सोचा कि इमाम मेहंदी सच में जाहिर हो गए अभी बादशाह उनके कदमों में जाएगा बादशाह उनके कदमों में जाएगा तो क्योंकि ये तो हिंदू हैं और इतना तो तय है कि इमाम मेहंदी आए हैं तो कौन से तन में आए हैं हिंदू तन में तो मुसलमानों का तो साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा इसलिए उसने मना किया अब कहते हैं मोमिन तो गरीब हैं बकरी जेता बल सुंदर साथ गरीब अर्थात विनम्र है यहाँ पैसे की गरीबी की बात नहीं हो रही है गरीब अर्थात विनम्रता है और उनका जो भौतिक बल है वो कितना है एक बकरी के समान और दुनिया कैसे है कहते हैं पढ़े बाघ जो बोलही ए सीधे निर्मल जो पढ़े लिखे लोग हैं भौतिक संसारिक विद्या को जानने वाले वो तो बाघ की तरह गरजते हैं और क्योंकि बाघ में एक कठोरता वाली प्रवृत्ति होती है दूसरे का खून पीने की प्रवृत्ति होती है ये दरबारी भी कुछ ऐसे ही हैं दूसरे का खून पी रहे हैं और सुंदर साद बेचारे निर्मल है सीधे साधे हैं तो उन पर गरज रहे हैं वास्तव में सुंदर साथ का जो बल है वह संसार की तरफ से नहीं है संसार की तरफ से उनका बल बकरी जैसा है पर क्या कहते हैं मोमिन बल धनीय का दुनी तरफ से ना है तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप धाम के माए राज्य के बराबर ब्रह्म सृष्टि का बल बताया है इसलिए हमें केवल इस चौपाई को पढ़ करके ये नहीं कहना चाहिए कि हम तो बकरी जैसे हम भला क्या करेंगे यहाँ दुनिया भी छल कपट की बात हो रही है जो संसारी के जीव सृष्टि है उनको दुनिया भर के छल कपट आते हैं और सुंदर साथ जिसमें जा, जो जागृत सुंदर साथ हैं उनको छल कपट आता ही नहीं है जो राज्य के जितने नजदीक होता है वाणी कहती है ना साचारी साहेब साँच सो पाइये साँच को साँच है प्यारा जो राज्य के जितना नजदीक होगा वो छल कपट से उतना ही दूर होगा या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो छल कपट से जितना दूर होगा राज्य से उतना ही नजदीक होगा लेकिन इसमें ऐसा है कई बार हम क्या सोचते हैं कि जितने भी सुंदर साथ हैं जो जागृत ब्रह्मात्मा है हमारे आसपास भी यदि होते हैं तो हम या तो उनकी पहचान नहीं कर पाते और हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत भोले हैं इनको तो कोई भी बहका देता है इनको तो कोई भी फुसला देता है वास्तव में ऐसा है कि जिनके हृदय में राज्य वास कर रहे हैं उनको कोई बहला फुसला नहीं सकता है क्योंकि होता क्या है जिन्होंने अपनी डोरी राज्य के हाथ में दी हुई है यदि कोई उस डोर को छुड़ाने की या तोड़ने की कोशिश करता है तो सीधी दुश्मनी किससे राज्य से है से ना इसीलिए राज्य ने स्पष्ट किया कि मोमिन बल धनीय का दुनिया तरफ ना है दुनिया वालों को लगता होगा कि ये भोले हैं सीधे साधे है, इनको कुछ पता नहीं लेकिन जिस दिन राज्य का दंड घूमता गु, है राज्य का जो चक्र घूमता है उनकी दृष्टि पड़ती है वैसे तो उन्हें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है उनके आदेश से जितने त्रिदेव हैं उनके विधान से ही सब सही हो जाता है पर फिर भी उसे राज्य की तरफ से ही मानना चाहिए महावजी भाई को जो चांटे पड़े वो राज्य ने तो नहीं मारे पर राज्य के तरफ से ही थे वो तो यहां पर भी चाहे वो पांचवें दिन की लीला हो चाहे छठे दिन की लीला हो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो ब्रह्म मुनि है वो भले ही सीधे हैं पर उन्होंने अपना हाथ राज जी के हाथ में दे रखा है तो हम उन्हें ठग नहीं सकते वास्तव में हम ही ठगाए जा रहे होते हैं अब आगे क्या कहते हैं श्री महामत कहे ए मोमिनो ए काजी के घर की बीतक बात अब कहो हादीय की जिन खबर सुनी विख्यात अब तक की जो घटनाक्रम का वर्णन किया वह काजी शेख इस्लाम के घर के बात थी अब श्री जी ने जो बात सुनी हम सब के हादी आवेश स्वरूप सदगुरु श्री प्राणनाथ जी ने जब बात सुनी सुंदर साहब के ऊपर जो यातना दी गई उनकी बात सुनी उन्होंने किस तरह से रोष किया और किस तरह से दुखी हृदय से श्री जी ने सुंदर साथ को सांत्वना देने के लिए पत्र लिखा इन सब की भी तक हम सुनेंगे कल और यह जो बड़ी पत्री है मैं आज केवल इतना बता देना चाहूँगा कि जागनी की लीला में जितनी भी प्रकार की समस्याएं आने वाली हैं जागनी क्यों नहीं हो रही से लेकर के जागनी कैसे होगी उन हर प्रश्नों का समाधान इस पत्री में बड़ी पत्री में श्री जी ने दिया हुआ है हम किस तरह से विचार करते हैं? वो हमारे ऊपर है तो इन सब प्रसंगों की चर्चा सुनेंगे कल अब समय पूरा होता है चौपाई दोहराइए श्री महामत कहे ए मोमिनो ए काजी के घर की बीतक बात अब कहू हादी की जिन खबर सुनी विख्यात जिन खबर सुनी विख्यात बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री सदगुरु महाराज